नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो रिक्वायरमेंट आउट की गई है NEFR रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है, 5,636 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। दोस्तों इसमें अप्रेंटिस के पद पर भर्ती है। आप लोग जानते होंगे अप्रेंटिस करने से रेलवे से बहुत सारे बेनिफिट हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने से आपको रेलवे की जो लेवल वन की भर्ती होती है यानी ग्रुप डी की, उसमें आपको 20% रिजर्वेशन होता है, आपको PET वगैरह नहीं देना पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, जो आपको आगे जो वैकेंसियाँ ग्रुप सी की भर्ती आने वाले टेक्नीशियन की, उसमें भी आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए 20% कोटा का रिजर्वेशन का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है, ITI कौन से ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे हम आ गए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो इस वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन करके, जनरल इन्फो करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो डिपार्टमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देखेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर पर्सनल का एक ऑप्शन देखने को मिल गया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग एक नोटिस पब्लिश किया गया है, जो यहां पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस ओवर NE रेलवे 2020 से 23 के लिए रिक्वायरमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहां से नोटिफिकेशन क्लिक कर दिया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नोटिफिकेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन यहां पर जिस डेट को पब्लिश किया गया है यहां पर देख सकते हैं 30/5/2022 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, और इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है 1/6/2022 से, और इसका जो लास्ट डेट है 30/6/2022 यहाँ पर मेंशन किया गया। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वैकेंसी है वो 5,636 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। दोस्तों आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 10+ ITI के मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी आपका जो 50% ITI 10th का हो गया, 50% आपका ITI और 200 भाग दे देंगे तो ये आपका एवरेज परसेंटेज होता है। तो आपका एवरेज परसेंटेज से आपका यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा ट्रेड वाइज और आपके डिवीजन वाइज। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SC VT NC VT सर्टिफिकेट दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको 7 डिवीज़न में आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकता है। ये आपका डिवीज़न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो, और यहाँ पर इन्होंने डिवीज़न वाइड यहाँ पर पोस्ट बताया है कि यहाँ पर हर डिवीज़न में कितना कितना पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,636 पोस्ट में, और डिवीज़न का यहाँ पर इन्होंने हर डिवीज़न का एड्रेस दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इन्होंने हर डिवीज़न या यूनिट वाइज यहाँ पर सीट यहाँ पर इन्होंने बताया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर सीटें हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कटिहार डिवीज़न का है, यहाँ पर देख सकते हैं कटिहार में आपका यहाँ पर जो बताया गया है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन,
और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज सीट है और यहाँ पर ट्रेड है। यहाँ पर अप्रेंटिस आपको 1 ईयर का होने वाला है, वो यहाँ पर बताया गया है। ऐसे आप यहाँ पर कटिहार में आपका ये मैकेनिकल टी एच डी जो आपका मैकेनिकल डिवीज़न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको हर यहाँ पर अलीपुर डिवीज़न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रंगिया जो आपका डिवीज़न है, और यहाँ पर देख सकते हैं लमडिंग डिवीज़न है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिवीज़न का नाम दिया गया है। जो आपको यहाँ पर जैसे तिनसुकिया डिवीज़न है यहाँ पर, और न्यू बांगोई गांव का डिवीज़न है। आप यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न का नाम दिया है, तो आप यहाँ पर हर डिवीज़न का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न का नाम दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एज की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1/4/2022 का आपका एज की गणना की जाएगा, और SC/ST और OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो 5 ईयर SC/ST और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ITI होना चाहिए 50%, 10+2 सिस्टम के रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपका ITI SC/BT NC/BT सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपया रखा गया है, जो नॉन रिफंडेबल है और जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है जो 100 रुपया है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस रखा गया है यहाँ पर, इन्होंने बताया है। और यहाँ पर SC/ST और PW ओमेन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं देना है, केवल जनरल कैंडिडेट को फीस पेमेंट करना है। और यहाँ पर ट्रेड वाइज यहाँ पर जो 14 ट्रेड का नाम दिया है, 14 ट्रेड वाले अपना यहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी अपने ट्रेड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटेट रिजर्वेशन है। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दे देते हैं। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम वहाँ पर टोटली रिप्लाई दे देंगे। धन्यवाद।